आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको रोज के बोलचाल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करना है। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, पूरी क्लास को पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आइए अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले आप कंटिन्यूअस को समझिए। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो काम चल रहा है। फिर से समझिए मेरी बात को, काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, मम्मी जी खाना पका रही है, रोटी बना रही है, चाय बना रही है, उसके बाद सामान अरेंज कर रही है, पापा जी सो रहे हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरा भाई गा रहा है, रोहित मोबाइल चला रहा है, मेरे चाचा जी गाड़ी चला रहे हैं, ये सब क्या है? कंटिन्यूअस है। मतलब एक्शन जब कंप्लीट ना हो और वो गोइंग ऑन हो उसे कंटिन्यूअस कहा जाता है, ठीक है। एक बात आप माइंड में अभी कभी सेव कर लीजिए, जब भी आपको कंटिन्यूअस एक्शन समझ में आ जाए तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो टीचिंग, आप पढ़ रहे हो तो रीडिंग, ठीक है, आप लिख रहे हो तो राइटिंग, मम्मी खाना पका रही है तो कुकिंग, पापा जी सो रहे हैं तो स्लीपिंग, मैं किताब ऐसे लेकर आपके सामने हूँ तो आप समझ लीजिए कि मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या हो गया? रीडिंग। मैं मोबाइल लेकर आपके सामने ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो समझ जाओ यूजिंग, बात समझ में आ गई। बैट लेकर मैं गेंद को मार रहा हूँ तो क्या कहोगे आप? प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग, बात समझ में आ रही है आपको? तो जहाँ पर भी कंटिन्यूअस वाला सेंस आपको समझ में आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आपको यूज करना है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। जहाँ पर भी कंटिन्यूअस आपको समझ में आ जाए, मतलब एक्शन जो है वो चल रहा है आपको समझ में आ जाए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको ING का यूज करना है, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब जो काम प्रेजेंट में चल रहा है, इंस्टेंट एक्शन, फिर से समझिए मेरी बात को, इंस्टेंट एक्शन को क्या कहा जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। इज का यूज होता है यहाँ पर ही शी इट और सिंगुलर के साथ में। सिंगुलर का मतलब जैसे कोई एक नाम हो गया, या माई फादर माई मदर, ठीक है, या माई ब्रदर माई सिस्टर, इनके साथ में इज का यूज होता है। आई के साथ में एम का यूज होता है, और यू वी दे और प्लूरल के साथ में आर का यूज होता है। प्लूरल का मतलब दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, जैसे माई ब्रदर्स माई अंकल्स माई फ्रेंड्स, या फिर रोहित एंड लालू, ठीक है, तो प्लूरल के साथ में यहाँ पर आर का यूज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझाता हूँ, फिर कुछ एग्जाम्पल्स से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बोलना है तो सबसे पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट, फिर चाहिए आपको CV, फिर चाहिए आपको ऑब्जेक्ट। CV का मतलब यहाँ पर हो गया हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट इज RM प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING के साथ में इज RM आपने देखा, इसे ही मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे? CV कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब को अपने साथ लेकर आएगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। मैं इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। आई सब्जेक्ट, एम टीचिंग, CV मतलब टीचिंग यहाँ पर मेन वर्ब हो गया, एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अब ये यू इंग्लिश क्या हो गया? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स लीजिए। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग इंग्लिश। मम्मी खाना पका रही है, मम्मी इज कुकिंग फूड। पापा सो रहे हैं, पापा जी इज स्लीपिंग। राजू क्रिकेट खेल रहा है, राजू इज प्लेइंग क्रिकेट। मोहन मोबाइल चला रहा है, मोहन इज यूजिंग हिज मोबाइल, ठीक है, वह मेरी बात सुन रहा है, ही इज लिसनिंग टू मी, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये सारे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस के थे, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या देखा? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, फिर आपको इज आर एम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। ये जो इज आर एम और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, इसको हम लोग मिलाकर क्या बोलते हैं? CV बोलते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब मैं आपको कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स से समझाने की कोशिश करता हूँ। नेगेटिव मतलब जहाँ पर नॉट का यूज होता है, जहाँ पर नहीं का यूज होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, CV, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ भी CV है, मतलब यहाँ पर नॉट का आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और ऑब्जेक्ट इज नॉट आर नॉट एम नॉट, ठीक है। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तुम गाना नहीं गा रहे हो, यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। पापा जी बाइक नहीं चला रहे हैं, पापा जी इज नॉट राइडिंग अ बाइक। मोहन मोबाइल नहीं यूज कर रहा है, मोहन इज नॉट यूजिंग हिज मोबाइल, ठीक है। रोहित क्रिकेट नहीं खेल रहा है, रोहित इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम पतंग नहीं उड़ा रहे हैं,
वी आर नॉट फ्लाइंग काइट्स, बॉस मुझे नहीं बुला रहे हैं, द बॉस इज़ नॉट कॉलिंग मी। आपने क्या देखा यहाँ पर, वे एक्शन जो नहीं हो रहे हैं उनके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो आपने अफर्मेटिव में क्या देखा, इज आर एम, और नेगेटिव में आपने क्या देखा, इज आर एम के जस्ट बाद आपने नॉट का यूज़ किया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए अब आप क्वेश्चन कैसे पूछोगे किसी से वो मैं आपको बताता हूँ। मैं बार बार आपको कहता हूँ क्वेश्चन हम लोग दो तरह से पूछते हैं, जिसका आंसर हमें यस या नो में चाहिए, और दूसरा ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हमें सेंटेंस में चाहिए, ठीक है। यस या नो में जिन क्वेश्चंस का आंसर हमें चाहिए उन क्वेश्चंस को टेक्निकली इंटरोगेटिव कहते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, ठीक है। इज आर एम सब्जेक्ट से पहले आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश। क्या रोहित गाना गा रहा है, इज रोहित सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या पापा जी बाइक चला रहे हैं, इज पापा जी राइडिंग अ बाइक। क्या मम्मी जी खाना पका रही है, इज मम्मी जी कुकिंग फूड। क्या राजू सो रहा है, इज राजू स्लीपिंग। बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ पर आपने क्या देखा, सारे हेल्पिंग वर्ब्स सब्जेक्ट से पहले आए और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव मतलब ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे पूछोगे जिसका आंसर आप एक्सप्लेनेशन में चाहते हो, सेंटेंसेस में चाहते हो। सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड बोलना है, फिर आपको इज आर एम, फिर आपको सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी और फिर ऑब्जेक्ट का आपको यूज करना है। आप संडे को कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग ऑन संडे, वेयर आर यू गोइंग ऑन संडे। सबसे पहले मैंने यूज किया यहाँ पर वेयर आर यू गोइंग ऑन संडे, ठीक है। रोहित अभी क्या कर रहा है, वट इज रोहित डूइंग नाउ, वट इज रोहित डूइंग नाउ, ठीक है। तुम उसे क्यों बुला रहे हो, वाई आर यू कॉलिंग हिम। रोहित क्या कर रहा है, वट इज रोहित डूइंग, वट इज रोहित डूइंग। राजू क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, वेयर इज राजू प्लेइंग क्रिकेट, वेयर इज राजू प्लेइंग क्रिकेट। पापा जी किसे डांट रहे हैं, हुम इज पापा जी स्कॉल्डिंग, हुम इज पापा जी स्कॉल्डिंग, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स थे डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव के, ठीक है। अच्छा, आपको कई बार क्वेश्चन में नॉट भी शामिल मिलेंगे, जैसे इंटरोगेटिव नेगेटिव या डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर कुछ नहीं करना नया आपको, बस आपको नॉट का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ। नॉट को हेल्पिंग वर्ब से अलग करके कभी आप मत देखिए, ठीक है। देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाता हूँ। इंटरोगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर सबसे पहले आपको लेना है इज आर एम, इसके साथ में नॉट लगा दीजिए। तो इज के साथ में नॉट लगाएंगे आप तो इजंट, आरंट, और एम के साथ नॉट लगाएंगे तो भी आरंट होता है, एमेंट नहीं होता, आरंट होता है, ठीक है। तो आपने इजंट, आरंट, फिर सब्जेक्ट, फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप संडे को बाजार नहीं जा रहे हैं, आरंट यू गोइंग टू मार्केट ऑन संडे, आरंट यू गोइंग टू मार्केट ऑन संडे। क्या रोहित आपके घर नहीं आ रहा है, इजंट रोहित कमिंग टू योर होम, क्या रोहित आपके घर नहीं आ रहा है। क्या राजू पतंग नहीं उड़ा रहा है, इजंट राजू फ्लाइंग अ काइट, ठीक है। अब डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, कुछ नहीं, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को आप मिला दीजिए, इजंट आरेंट, इजंट आरेंट, एमेंट नहीं होता है, एमेंट को आरेंट कहा जाता है, ठीक है। एम प्लस नॉट को मिला दोगे आप तो आरेंट बन जाएगा, ठीक है, आरेंट, क्लियर। आप संडे को क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो, Why are you not playing cricket on Sunday? Why are you not playing cricket on Sunday? रोहित तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा है? Why isn't Rohit talking to you? Why isn't Rohit talking to you? वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? Why isn't he going to school? Why isn't he going to school? ठीक है, आई होप कि ये सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। ये सारे सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, ठीक है। अब मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि कंटिन्यूअस जहां आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का आपको यूज करना है और इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको यूज करना है। कंटिन्यूअस कैसे आप पहचानेंगे, काम चल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर जो एक्शन है वो गोइंग ऑन है। देखिए यहाँ पर रटने का कोई मेथड आपको नहीं बता रहा हूँ मैं कि भैया रहा है, रही है, रहे हैं तो आप पहचान लो, नहीं बताऊंगा, ये चीज़ें नहीं बताऊंगा मैं। आपको समझने की कोशिश करना है अपने माइंड में कि क्या काम हो रहा है। अगर काम हो रहा है तो कंटिन्यूअस है, काम पूरा हो गया है तो परफेक्ट है, अगली क्लास में पता चलेगा। काम चार घंटे से चल रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अगली क्लास में आपको पता चलेगा। और काम रोज होता है एक पर्टिकुलर टाइम में
तो वो इनडेफिनिट है, वो पिछली क्लास में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। पीछे की सारी क्लासेस को आप रिवाइज कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। आप फीडबैक दीजिए ताकि कोर्स को और बेहतर हम बना सके। 60 डेज का ये जो सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। हर क्लास को आप टाइम पर अटेंड करें और एक क्लास को कम से कम 5 बार अटेंड करें। कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं और लेवल टेस्ट तो जरूर सॉल्व करें। ये आज की क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाया, पिछली क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था जिसमें आपको डेली रूटीन बोलना सिखाया था मैंने। उसके बाद आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करने का तरीका, फिर मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज़ करने का तरीका, उसके बाद फिर आपका लेवल टेस्ट होगा और लेवल टेस्ट से पता चलेगा कितने पानी में हो आप, ठीक है। उसके बाद फिर पास्ट, फिर मैं आपको मॉडल वर्ब्स की क्लासेस प्रोवाइड करूंगा और फिर आगे के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। बस चैनल को कसके पकड़ लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। हिंदी स्टेट्स के बच्चों के लिए ये बहुत जबरदस्त कोर्स है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में पूरी एनर्जी के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग ग्रो एकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।